सलमान लाला स्टाइल में तमंचे के दम पर स्टूडेंट से मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जो रीवा का बताया जा रहा है, जिसमें शातिर बदमाश पैसों की डिमांड करते हुए छात्रों के साथ जमकर मारपीट कर रहा है। तो वहीं पर क्षेत्र में दहशत फैलाने के उद्देश्य से यह युवक इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है और जिसे रीवा में मऊगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सलमान लाला स्टाइल में तमंचे के दम पर स्टूडेंट से मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जो रीवा का बताया जा रहा है, जिसमें शातिर बदमाश पैसों की डिमांड करते हुए छात्रों के साथ जमकर मारपीट कर रहा है। तो वहीं पर क्षेत्र में दहशत फैलाने के उद्देश्य से युवक इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है, जिसे रीवा के मऊगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रीवा की मऊगंज थाना पुलिस के द्वारा आज दहशत फैलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद अब पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल आरोपी के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर छात्रों के साथ मारपीट की जाती थी और आरोपीगण लोगों के साथ मारपीट का वीडियो बना लिया करते थे, जिसके बाद उसे वायरल न करने के एवज में आरोपियों के द्वारा छात्रों से पैसों की वसूली की जाती थी, जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को हुई और जिस पर एसपी रीवा ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए तुरंत ही मामले की जांच के लिए मऊगंज थाना पुलिस को निर्देशित किया और तब मऊगंज थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब पुलिस के द्वारा आरोपी से पूछताछ कर उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। ले पकड़ा है इगार हाँ, वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो वायरल के आधार पर ही जो हमारे पुलिस कप्तान साहब को संज्ञान में आया, उन्होंने थाना प्रभारी को भेजा। उसके बाद थाना प्रभारी द्वारा तत्परता से उसमें कार्रवाई करते हुए एक जो वीडियो वायरल हुआ जिसे मारपीट कर रहे हैं एक लड़के को उसमें पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। फरियादी अभी कोई सामने नहीं आया है, फरियादी की तलाशी पुलिस कर रही है, पूछताछ भी कर रही है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, छात्रों को परेशान किए जाने का मामला कोई इसी तरह, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर कोई ऐसी घटना किसी छात्र के साथ घटी है, अगर छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो छात्र भी थाने पे आके रिपोर्ट करें या वरिष्ठ कार्यालय में आके रिपोर्ट करें, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें पुलिस पृथक से कार्रवाई कर रही है, फरियादी की तलाश कर रही है। जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि फरियादी कोई हो तो आपके माध्यम से भी थाने पे आया कार्रवाई कर। बताया जा रहा है कि दहशत फैलाने के लिहाज से करीबन आधा दर्जन युवक मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया करते थे, जिसमें छात्रों के साथ मारपीट कर उनसे पैसों की वसूली की जाती थी। हालांकि इन आरोपियों के खिलाफ थाने में किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं हुई है, मगर मारपीट का वीडियो सहित अवैध हथियारों के साथ फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। खर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।